बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? तो सीन ये है कि सुबह के 9 बज रहे हैं, तो समझ आपको लग गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ कि आज से मैं कर रहा हूँ ट्रकिंग स्टार्ट। काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान में मैं राइट साइड पे ड्राइव करता रहा हूँ, सो आज से मैं ट्रक लेफ्ट साइड पे ड्राइव करूँगा। तो अब मुझे यहाँ से जाना है अपने यार्ड, और कंपनी ने मुझे न्यू ट्रक दे दिया है, और जाके देखते हैं कि ट्रक क्लीन है अपना। ट्रक का मुझे पता नहीं कि ब्लू कलर का है या वाइट कलर का है। अब ये जाके यार्ड में देखते हैं। और आज यहाँ पे भाई साहब काफ़ी सर्दी है, सो स्नोफॉल हुई है रात में, सो मिलता हूँ आपको जाके यार्ड में। ट्रक 668 मिला है हमें इस बार। और ये सामने ट्रक पार्क है, सो ट्रक भी चेक करना है मुझे, कोई डैमेज डूमेज तो नहीं है ट्रक को। तो सबसे पहले इस ट्रक का मैं तेल पानी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये ट्रक का मेरे पास परमानेंटली है। यहाँ से इसको करेंगे हम अनलॉक, यहाँ से इसको भी करेंगे अनलॉक। यहाँ पे एक जगह सी बनी होती है जहाँ से इसको हम पुल कर सकते हैं। ऐसा फास्ट स्लिप हो रहा है। एक दफा दोबारा ट्राई करते हैं, मैं इसको अंदर से अब खोला। नहीं भाई साहब, हाथ क्या हालत देख रहे हो? मेरे ग्लव्स घर रह गए हैं, वो मुझे लाने याद नहीं रहे। यहाँ से कोई ग्लव्स पकड़ लेते हैं मैकेनिक से, इसको खोल के भाई साहब इसका तेल पानी जो चेक करना है ना। मैकेनिक भाई ने दे दिया हमें ग्लव्स, मैकेनिक भाई का बहुत शुक्रिया। अब इसको हम करते हैं ओपन, यहाँ पे ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ आराम से। तो इंजन ऑयल इसका बुरा है, तो यहाँ पे कट सा होता है, मतलब कट तक तो मिनिमम होना चाहिए ऑयल। सो लेवल ओके है, इसको बंद कर देता हूँ, बाकी इसकी वीडियो ही कर लेता हूँ। नो क्रैक डैमेज, नो ऑयल लीकिंग, ये वीडियो में बोलना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन को और चेक करते हैं कि ठीक है इसका इंजन। तो ये ट्रक चला 7 लाख ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर। और भाई साहब ये लट्टू भी लगा इस पर, तो ये बैकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। ब्रेक एयर प्रेशर लो, आई नो जब ट्रक खड़ा रहे तो उसके जो टैंक होते हैं उसमें से एयर ख़त्म हो जाती है, तब ये वार्निंग दे रहा है। अब इसको मैं स्टार्ट करूँगा तो पीप पीप की आवाज़ आने लग पड़ेगी, तो उसको इग्नोर करना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाल्वो में जो इंजन लाइट है ना, ये भाई साहब यहाँ ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाती। स्नो यहाँ पर भी आ चुकी है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव नज़र नहीं आ रहा होगा, वो ड्राइवर का अपना होता है, वो मेरे घर में पड़ा है, सो जाते हुए मैं पिक कर लूँगा। और फ्रिज क्या रहा है देख लेते हैं, फ्रिज क्लीन है ना। फ्रिज भाई साहब क्लीन है, और उसके अलावा ये क्लासेट है, ये भी क्लीन ही है। सो यहाँ पे अपना मैं टीवी लगाऊंगा ला के, उसके अलावा ट्रक क्लीन है। ये सीवी
उसके अलावा ट्रक भाई साहब ओके है, ट्रक पास कर दिया हमने। सो ये फर्स्ट एड किट है, खुदा ना खास्ता अगर कोई एमरजेंसी बन जाए तो हम अपनी पट्टी तो कर सकें ना खुद। लॉग बुक मैंने नहीं ली, सो मैंने सोचा कि लॉग बुक मैं अपने फ़ोन में ही चला लूँगा, तो नहीं तो टैब मिलता है वो, अभी है कि नेक्स्ट ट्रिप पे मैं कंपनी से ले लूँगा। ये सारे पास लगे हुए हैं, ये ब्लू वाटर ब्रिज का, ये वो जो अम्बेसडर ब्रिज है उसका, और ये कैमरा, ये प्री पास। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि प्री पास मतलब कि जो हम US में टूल यूज़ करते हैं ना, उनका ऑटोमेटिक इसमें से चार्ज हो जाता है, हमें पे नहीं करना पड़ता रुक के। और उसके अलावा भाई साहब स्टाफ मेरा इसमें भी मैंने नहीं रखा, सो जब मैं वापस गुजरूंगा लंदन से तो तब मैं अपना स्टाफ सारा पिक करूंगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम ट्रक है जैसा मेरे पास पहले ट्रक था 662 वाला, सेम उसी तरह का। तो ये ऊपर वाला गद्दा तो भाई साहब इन्होंने, इसका शॉपर भी नहीं खोला। तो ये मेरा GPS था, GPS मैं ले आया था, मैंने सोचा कि इसको माउंट करते हैं। ये मेरी ब्लूटूथ और ये केबल्स चार्जिंग वगैरह सारा कुछ। ट्रक अपना नया हो गया, एक दफ़ा वॉक राउंड कर लेते हैं दोबारा से, जो भी कोई डैमेज है वो नज़र आ जाएगा। एक ये भी डैमेज है छोटा सा, सफ़ेद कलर का ट्रक कैसा लगता है आपको? मुझे तो ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे ये ब्लू कलर है। तो ये भी छोटा सा डैमेज है, तो ओवरऑल ट्रक भाई साहब नया हो गया 2023। अभी मैंने ट्रेलर रुक किया है और आज मेरा फर्स्ट ट्रिप है वेकेशन के बाद, और आज ही भाई साहब कांड हो गया। तो आपको एयर की आवाज़ आ रही होगी, यहाँ से एयर लीक हो रही है, तो ये टायर हमें चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी मेन जगह से एयर लीक हो रही है। सो ये भी टायर डैमेज है, दोनों इकट्ठे चेंज करवा देते हैं। यहाँ से भी एयर लीक हो रही है, ये अगला टायर है, तो आज हमारी किस्मत ही माड़ी। क्यों पाजी? अब इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा मुझे, पहले ये दो करवाए थे, अब ये वाले टायर का मसला हो गया। ये अपना पुराना ट्रक था, इसके साथ अपनी बहुत यादें हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने इस ट्रक को यूज़ किया। ये जो ट्रक है अब इसको ड्राइवर कनाडा के अंदर ही ड्राइव करता है, इसके परमिट ख़त्म हो चुके हैं। पुराना ट्रक था ना, 2019 मॉडल था ये, 19 के 20। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे पहले व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता है कि पहले मेरे पास ये ट्रक था, तो वो पीछे मेरा माउंट भी लगा है। ओके तो भाई ने चारों टायर चेंज कर दिए हैं, अब यहाँ से अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ टेक्सास, नो शिपमेंट है मेरे पास, मतलब नो डिलीवरीज करनी है मुझे। अभी मैंने किया बॉर्डर क्रॉस, तो आज मेरा बॉर्डर पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पासपोर्ट की वजह से। तो पहले जब मैं अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑफिसर को देता था, तो ऑफिसर पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। तो भाई साहब आज मैंने ऑफिसर को जाके ये ग्रीन पासपोर्ट दिया अपना, तो ऑफिसर पता आगे से क्या कहता, हे सर हाउ आर यू डूइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि बड़ी खुशी हुई कि यार क्या बात है, मतलब पैसे पूरे हो गए इस पासपोर्ट के, सो बड़ा हार्ड वर्क किया इस पासपोर्ट के लिए, और ये है कि आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब सीन ये है कि यहाँ पे काफ़ी सर्दी है,
अब मैं जाके ट्रक में बैठता हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ टेक्सास। पहले मुझे जाना है डैलस, डैलस में मुझे 4-5 डिलीवरीज करनी है और बाकी जो डिलीवरीज हैं वो ह्यूस्टन करनी है। तो आज सैटरडे है, यूजली मैं सैटरडे को अपना ट्रिप स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, स्टे रही हूँ। टाइम बाय -1 डिग्री टेम्परेचर है। फील लाइक कितना है? फील लाइक -7। भाई साहब अभी 2 मिनट के लिए वो मैं वहाँ जाके बैठा था तो भाई साहब मेरी कुल्फी बन गई। हेलो, तो इस ट्रक स्टॉप पे हम रुके हैं रेस्ट के लिए और भाई साहब थकावट फुल हो चुकी है। आज का दिन काफ़ी हार्ड था क्योंकि ट्रकिंग का मेरा आज फर्स्ट डे था वेकेशन के बाद। ऑलमोस्ट 35-36 दिन बाद मैंने ट्रक ड्राइव किया और भाई साहब आज 9 घंटे मैंने ड्राइव किया, थकावट फुल हो चुकी है। और वैसे भी मेरी रूटीन मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि पाकिस्तान से आया हूँ तो रूटीन जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे है। तो आज मैंने रोज़ा भी नहीं रखा था, मुझे पता था कि आज का दिन काफ़ी हार्ड होगा क्योंकि मुझे ट्रक में अपना स्टाफ भी मूव करना था। इतने दिन ड्राइव नहीं ना की तो रूटीन ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा आज मुश्किल लगा ड्राइव करना, बोरिंग बोरिंग भी लगा क्योंकि पाकिस्तान में भाई साहब हर जगह ही भाई साहब लोग होते हैं, यहाँ पे तो आपको पता है कम ही लोग होते हैं। वैसे भी आज वीकेंड था और चलते हैं पीछे, मुझे आपके साथ एक दो बातें करनी है, उसके बाद मैं स्लीप करूँगा और रमज़ान की रूटीन मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। और जो मेरे रोज़े मिस हुए हैं वो इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद पूरे करूँगा। ये ना समझना कि भाई साहब रोज़ा मैं स्किप कर रहा हूँ। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो जैसे आपको पता है भी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान का ट्रिप किया था, बहुत अच्छा रहा मेरा ट्रिप, मैंने बहुत फ़न किया, व्लॉग्स भी शूट किए। तो इंशाल्लाह आपको वो व्लॉग्स रमज़ान के बाद देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि एक मीटअप ज़रूर रखना, तो मैं मीटअप अरेंज नहीं कर सका और काफ़ी लोगों का मैंने दिल भी तोड़ा। काफ़ी लोगों ने मुझे DM किए हैं अभी कि भाई आप मिल के नहीं किए आपने, अच्छा नहीं किया, हमारा दिल तोड़ा आपने। तो मैं आपसे बहुत सॉरी करता हूँ। और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी पाकिस्तान में आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको बताऊँगा, बेशक आप मुझे एयरपोर्ट से आगे रिसीव कर लेना। पाकिस्तान में काफ़ी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये जो ट्रकिंग फील्ड है ये अनपढ़ लोगों की है, मतलब कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो ट्रक ड्राइवर बन जाए। तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फैमिली में भी काफ़ी लोगों को लगता है कि ये जो ट्रकिंग है ये अनपढ़ का काम है। तो हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते, जो आपका दिल करता है आप वो करो। अभी पाकिस्तान में गया था तो काफ़ी लोगों से मिला हूँ, सब ने एक ही बात बोली कि भाई आप हमारी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और जो भी आपके पास है ना आप उसमें खुश रहना सीखो। हैप्पीनेस उसी चीज़ में होती है, ये नहीं कि किसी को देख के आप नेगेटिव सोचो, मतलब अपने आप को डिग्रेड करो। तो इंशाल्लाह आपके किस्मत में जो भी है आपको मिलेगा। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखा। एंड वंस अगेन मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि मैं जिनको मिल नहीं सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पक्का। तो अब मैं सोने लगा हूँ, आपको मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी कल या परसों जब भी शूट करूँगा। सो सी यू नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।